तो हेलो फूडी, स्वागत है आपका फूडी संसार चैनल पे। आज हम आ गए चांदनी चौक में ओल्ड फेमस जलेबी वाले पे। भाई साहब हमने लेनी है अब जलेबी, साथ में रबड़ी और एक समोसा लेंगे मटर का। उसकी अब चलिए मेकिंग देखते हैं और उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। अगर आपको लोकेशन जाननी है तो यहाँ पर एक चर्च है, उसके जस्ट सामने पड़ता है, या फिर आप अगर गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोने वाली शॉप दिख जाएगी ओल्ड जलेबी वाले के नाम से। तो चलिए अब इसकी मेकिंग देखते हैं और उसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। सब हमारे यहाँ पर जलेबी बननी शुरू हो गई है। जो एक 75 रुपए वाला पीस है वो क्या है सब, बड़ा बनता है? 90 रुपए की 100 ग्राम है रबड़ी। अच्छा, 50 ग्राम रबड़ी और 100 ग्राम जलेबी। अच्छा जी, मतलब 60 रुपए की जलेबी रहने वाली और 30 की रबड़ी। ये भी आपकी स्पेशल है, मुझे बताओ आप खुद बनाते हो रबड़ी? भी आप खुद ही बनाते हैं? अच्छा जी, टाइमिंग्स क्या रहती है शॉप की, एक बार टाइमिंग्स बता दीजिए। सुबह 8 से 10। अच्छा जी, मतलब अगर आप सुबह 8 बजे के करीब आए तो आपके गर्म गर्म जलेबी, जो मतलब जलेबियों की बात आती है, सबसे पहली बात ही जाती है कि चांदनी चौक में ओल्ड फेमस जलेबी वाले में जाके जलेबी खाने का मजा ही अलग है, और वो भी गर्मा गर्म का आप लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ आके सुबह 8 बजे। ऐसा पीस देखे कितना बड़ा है जलेबी का भाई। ये एक पीस आपका अंदाजन कितने ग्राम का होगा? एक पीस 100 ग्राम का ये पूरा। अच्छा जी, जलेबी पूरी हो चुकी है रेडी एक तरीके से मान लीजिए। अब इसे चाशनी के अंदर डुबाएंगे। चाशनी में तो पूरी तरीके से तैर रही है हमारी जलेबियाँ, करारी करारी जलेबियाँ, और फिर हमें ये सर्व होंगी विद रबड़ी। और वो आपकी इच्छा है, अगर आपको रबड़ी के साथ लेनी तो आपका एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं 50 ग्राम 30 रुपए, और वो आप जलेबी का रबड़ी के साथ भी लोग उठा सकते हो और उससे बिना। हमारी जलेबी का पीस और उसके ऊपर रबड़ी, रबड़ी ऊपर मिलेगी या फिर साथ में मिलेगी? इसके ऊपर ही मिलेगी। अच्छा जी, ये शॉप कितने साल पुरानी हो गया? अराउंड ये 1884 से है। 1884 से जी। और एक बार रेट वेट बता दीजिए क्या है? रेट हमारे यहाँ जलेबी है 60 रुपए की 100 ग्राम, अगर रबड़ी साथ लेंगे तो 90 रुपए प्लेट है। अच्छा जी। और 600 रुपए केजी है। समोसे? समोसा दो तरीके के होते हैं, एक मटर का होता है, एक आलू का होता है, 25 रुपए का एक होता है। टाइमिंग क्या होगी? सुबह 8:30 से रात के 10 बजे तक। रात के 10 बजे जी। और ये मटर के समोसे काफी जो फ्रेश होता है वो ज्यादा ही मिलते हैं। हमें तो ज्यादातर आलू के अच्छे लगते हैं। पूरे दिन में क्या क्या मिलेगा? जलेबी, समोसा और रबड़ी। यहाँ की हमारी जो जलेबी है एक तो खट्टी नहीं होती है। अच्छा जी। और दूसरी जगह आप जलेबी कहीं भी खाई होगी खट्टी मिलेगी आपको, और ये एक महीने तक खराब नहीं होगी। अच्छा, मतलब जो बाहर से आते हैं वो यहाँ के? हाँ, पूरे हमारे वर्ल्ड में भी लोग आते हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ से लेके भी जाते हैं, तो कभी किसी ने आते शिकायत नहीं किया। लोकेशन है हमारे अपोजिट चर्च है, आगे लाल गेट से आओगे तो थोड़ा साइकिल मार्केट आएगी पहले, फिर दरीबा कॉर्नर आएगा। तो चलिए अब अपनी मीठी मीठी सर्दी में समोसे और जलेबी का आनंद लेते हैं। थैंक यू।
स्टफिंग में क्या क्या होगा मतलब? आलू और मटर है। अच्छा जी, अलग अलग है। आलू के समोसा मटर के समोसे मिलते हैं यहाँ पे। आलू का समोसा रहना है 25 रुपए का, मटर का समोसा भी एक पीस रहने वाला है 25 रुपए का ही। आप खुद ही देख सकते हैं मटर के अलग से ही लग रहे हैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं इसमें मटर के दाने आपको अलग से दिख रहे हैं, जैसे बिल्कुल लगे हुए हैं, शेप बनी हुई है। पहले आप आइए, थोड़ा सा नमकीन खाइए, समोसे खाइए, मतलब चटपटा सा खाइए, और उसके बाद देसी घी में बनी हुई जलेबियों का आनंद लीजिए। आपको बहुत जगह मिल जाएंगे चांदनी चौक, मतलब आलू और मटर होता है, स्पेसिफिकली मटर कह रहे हैं आपको। हालांकि आपको जो दुकान रहती है राशन वाली में, जहाँ से आप नमकीन वगैरह लेते हैं, वहाँ से आपको मटर के समोसे मिलते हैं, वो बट खट्टे मीठे टाइप के होते हैं, पर आपको चटकारा स्वाद देना एकदम, वो भी सुबह सुबह गर्मा गर्म, वो मटर के समोसे आपको बस यही मिलेंगे। तो चलिए उन मटर वाले समोसों को भी जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जलेबी करारी करारी, आप देख ही सकते कितनी ज्यादा करारी है, मतलब हम जो दिल्ली में मामूली जलेबियां खाते हैं वो होती माना कि पतली है पर करारी होती है, बट ये आप देखेंगे मोटी, इसमें चाशनी एकदम रसीली रसीली जलेबी, और करारी और मोटी भी साथ ही साथ, मतलब मजा ही आने वाला इसको तो खाने में। और उसी के ऊपर 50 ग्राम रबड़ी डाल रखी जो काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही है देखने से ही। तो इसको खाते हैं और बताते हैं आपको कैसी होने वाली है। बट पहले ये नहीं, पहले समोसे फिर उसके बाद मीठा। तो चलिए पहले समोसे खाते हैं। वो तो देखिए आपने जलेबी, ये है हमारे समोसे, अभी के अभी एकदम फ्रेश एंड फ्रेश समोसे बने हैं, जो मटर वाले समोसे रहने वाले। आपको एक बार इसको खोल के दिखाते हैं कि कैसे रहने वाले मटर वाले समोसे। ये तो पूरे के पूरे मटर वाले हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको वो हल्दीराम के अमचूर वाले समोसे मटर वाले अच्छे नहीं लगते, जिनको लोग चाय के साथ ज्यादा खाना पसंद करते। तो एक बार अभी सुबह सुबह मीठी मीठी सर्दी में, मीठी मीठी सर्दी का ये वैसे भी एपिसोड नंबर 1 है जो हमने पहले पिछले ईयर स्टार्ट किया था, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो इस साल नया एपिसोड लाते हैं मीठी मीठी सर्दी का एपिसोड नंबर 1। तो चलिए इसको धनिया पुदीने सिल बट्टे पे बनी हुई चटनी के साथ आनंद लेते, एक बार देखते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू देंगे एकदम। ये रही हमारी बाइट, एक समोसे की बाइट, और बड़ा सा निवाला लग के खाते हैं इसको। जो मटर है बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, मतलब जो रहता ना कि खाने पे वो कच कच करे वो एक बात नहीं है, सॉफ्ट मटर एकदम अच्छा लग रहा खाने में भी मटर को, और मसाले का भरपूर अच्छे से मिश्रण हो रखा है, और साथ ही साथ जो समोसा है काफी ज्यादा क्रिस्पी है, काफी ज्यादा फ्रेश फ्रेश तो है ही, आपने देखा ही है। मतलब मैं कहूंगा इसके लिए मैं 25 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा औसम है। तो चलिए कुछ खाने के बाद, कुछ तीखा खाने के बाद, कुछ मीठे की बारी आ चुकी है, अब खाते अपना मीठा जो रहने वाली जलेबी रबड़ी के साथ। चलिए इसका भी आनंद लेते हैं। बच्चे झंडों का आनंद ले रहे हैं, हम साथ ही साथ उनको चिढ़ा चिढ़ा के जलेबियों का आनंद लेंगे रबड़ी वाली। आओ खाइए, आइए ना, आइए ना। आइए ना यहाँ बच्चों ने तो बहुत ही अच्छा मनोरंजन कराया। तो चलिए अब अपना जलेबी का आनंद लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी है जलेबी। तो चलिए अब जलेबी खाते हैं रबड़ी के साथ, ठंडी ठंडी रबड़ी, मीठी मीठी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी। जलेबी है, मतलब आपने मेरे एक्सप्रेशन के साथ देखा ही होगा, जलेबी एक नंबर है, मतलब दिल्ली में जलेबियों का नाम आए तो यही। पीछे नाम देख रहे हो, ओल्ड फेमस जलेबी वाला, इसी का के जलेबी खाना एकदम मत, भरपूर मीठी, बिल्कुल भी खटास नहीं है, ये जलेबी लिटरली में नंबर 1 है। तो आप भी आइए इस जलेबी का आनंद जरूर लीजिए। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ आना अगर चांदनी चौक आते हो तो ओल्ड फेमस दिल्ली जलेबी वाला पे आइए जरूर, और आके मटर समोसा और जलेबी दोनों चीजें खाइए सुबह 9 बजे। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।